नमस्कार दोस्तों, इसी पोल्ट्री वर्ल्ड चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आज आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें मैं आपको दिखाऊंगा, ये चिक्स हमारा कल प्लेसमेंट हुआ है। ये आज डे टू के चिक्स हैं। ये हमारा 22,000 कैपेसिटी का इसी सेड है। ये डे टू के चिक्स हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये आपका मैनुअल फीडिंग के लिए ये फीडर रखा गया है। ये आपका ऑटोमेटिक फीडिंग लाइन है। ये आपका सेकंड पार्टीशन है। देखिए यहाँ पर सब सोए हैं, क्योंकि यहाँ पे ये आपका ब्रूडिंग हीटर लगा हुआ है। देखिए कितने एक्टिव चिक्स हैं, ये डे टू के चिक्स हैं। चलिए आपको मैं हमारा दूसरा वाला फॉर्म जो 8,000 कैपेसिटी का है, वो भी सेम डे में प्लेसमेंट हुआ है कल, वहाँ का थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ। ये पेपर में फीड्स दिया गया है। ये आपका ऑटोमेटिक फीडर है। यहाँ पे भी ये चिक्स फीड इंटेक कर रहे हैं। और आपका थ्री टाइप का फीडिंग सिस्टम पहले भी मैंने आपको दिखाया है। ये आपका जो चिक्स फीडर, जंबो फीडर बोलते हैं इसको, ये भी लगाया गया है। और वाटर इंटेक के लिए दो टाइप का सिस्टम है। ये आपका मैनुअल ड्रिंकर लगा है। और ये आपका ऑटोमेटिक लाइन है, यहाँ से भी पानी पी रहे हैं ये। तो दोस्तों ये डे टू के चिक्स हैं, यहाँ पे सोए हैं। देखिए ज़्यादा, क्योंकि इसके ऊपर दिखा रहा हूँ मैं, ये देखिए कैसे हीटर लगा हुआ है। इसको हम ब्रूडिंग हीटर बोलते हैं। ये पर 1000 बार्स के हिसाब से लगता है। हमारा दो इसी सेट से 22,000 कैपेसिटी का है। और अभी मैं ये फार्म जो आपको दिखा रहा हूँ, ये 8,000 कैपेसिटी का है। टोटल हमारा 30,000 कैपेसिटी का इसी फार्म है। पोल्ट्री का यूनिट 30,000 कैपेसिटी का है। ये अभी आप डे टू के चिक्स देख रहे हैं। देखिए और ये हमारा ऊपर का पूरा सीलिंग अभी नया किया हुआ है। देखिए ये सीलिंग नया किया गया है। सीलिंग के बारे में मैं आपको अलग से वीडियो में बताऊंगा।
इसके रिगार्डिंग एक पूरा वीडियो बनाऊंगा मैं। तो दोस्तों, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और लाइक बटन को दबाना मत भूलिए। आप लोगों के लिए इसी फार्म के रिगार्डिंग मैं बहुत सारा वीडियो लेके आऊँगा। मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा था, अभी आपका इसी फार्म के बिहाफ पे बहुत सारा वीडियोज़ आएगा। मैं ट्राई कर रहा हूँ बहुत सारा वीडियोज़, और हर एक टॉपिक पे एक एक वीडियो, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स, और जो भी आप लोगों का क्वेश्चंस या कमेंट्स में दीजिए, आपको क्या जानकारी चाहिए उसी हिसाब से मैं वीडियो आप लोगों के लिए लाऊंगा। तो दोस्तों, ये रहा आपका डे टू का चिक्स, देखिए। ये हमारा 8000 कैपेसिटी के हिसाब से हमारा यहाँ पे 8 ब्रूडिंग हीटर्स लगे हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको रेगुलर अपडेट दूंगा ये डे टू के चिक्स से। ये बैच कंप्लीट होने तक, लिफ्टिंग तक, और कैसा आपका ये फॉर्म को साफ किया जाता है, फिर नेक्स्ट बैच के लिए कैसे रेडी किया जाता है, हर चीज़ का जानकारी आपको इस चैनल में मिलेगा। अभी ये डे टू के चिक्स हैं, और इसके बाद आपको डे फाइव, डे सेवन ऐसा वीडियोस देखने के लिए मिलेगा। ये देखिए, आपका ऑटोमेटिकली, ये आपका जो टीवीएस है, मतलब ये जो टनल वेंटिलेशन सिस्टम जिसको बोलते हैं, ये ऑटोमेटिक, अगर ज़्यादा इसमें टेम्परेचर हो जाता है तो टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है, वो ऑटोमेटिकली सेंस करके फ़ैन को कमांड देता है। वो फ़ैन ऑटोमेटिकली जितना सेकंड्स के लिए उसको कॉन्फ़िगर किया जाता है, उतना सेकंड्स के लिए वो चलता है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको दूसरी जानकारी दूंगा। आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइए आप लोगों को इसी फार्म के रिगार्डिंग क्या जानकारी चाहिए, उसी हिसाब से मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।